मैकेनिक्स हम किसको बोलते हैं? यांत्रिकी को। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या है? यांत्रिकी मतलब क्या है? केला मेरा सर जी ओम ले ले। देखिए मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स के बारे में हम लोग क्यों जानते हैं, मैकेनिक्स है क्या, उस बारे में हम लोग जानना जरूरी है क्योंकि मैकेनिक्स पढ़ना है अभी। मैकेनिक्स दो टाइप का होता है, एक काइनामेटिक्स होता है, एक डायनामेटिक्स होता है। एक काइनामेटिक्स और एक डायनामेटिक्स। काइनामेटिक्स का हिंदी होता है शुद्ध गति की और डायनामेटिक्स का क्या होता है गति की। तो लेकिन मैकेनिक्स किसको बोलेंगे? जब हम लोग गति तथा गति का अध्ययन फिजिक्स की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, मतलब गति, गति समझ रहे हैं, चलना गति है, मोशन, तो गति तथा गति से उत्पन्न होने वाले कारकों का गति गति तथा गति के गति द्वारा उत्पन्न कारकों का अध्ययन हम लोग फिजिक्स के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स, यांत्रिकी। और यह कितने टाइप का होता है बाबू? दो टाइप का। कौन कौन? काइनामेटिक्स और डायनामेटिक्स। काइनामेटिक्स का हिंदी क्या होता है? शुद्ध गति की। और डायनामेटिक्स का हिंदी क्या होता है? गति की। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा मैकेनिक्स है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखा जाए बच्चों। लिखिए, भौतिकी की जिस शाखा के अंतर्गत, भौतिकी के जिस शाखा के अंतर्गत अंतर्गत गति तथा गति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन, गति तथा गति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन, गति तथा गति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे यांत्रिकी कहा जाता है। भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत गति तथा गति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी कहलाता है। चलो लिखो इंग्लिश वाला। MECHA 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 NICS मैकेनिक्स। सही कर लीजिए। लिखो इंग्लिश में लिखो। द स्टडी ऑफ मोशन एंड हिज फिनोमिना In the branches of physics is called mechanics। देखिए mechanics दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बाबू mechanics? दो प्रकार के। एक होता है काइना, एक होता है काइनामेटिक्स, एक होता है डायनामेटिक्स। काइनामेटिक्स का हिंदी क्या होगा बाबू? शुद्ध गति की। क्या होगा? शुद्ध गति की। और इसका हिंदी क्या होगा? गति की। लिख लीजिए जल्दी से। लिखेंगे? K
K-I-N-A, काइना मैटिक्स M-A-T-I-C-S मस्त गया सर मुझे बताए जंप पर मत जंप सर गया उत्तल दर्पण का फोकस किधर होता है उत्तल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर ना सर जी उसका फोकस किधर होता है पीछे होता है नेगेटिव होता है पीछे से पीछे पॉजिटिव होगा जवान अच्छा पॉजिटिव होता है पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा तब नेगेटिव कौन है ये यही क्वेश्चन था ऐसा ऑप्टिक्स से क्वेश्चन था ऑप्टिक्स से था ओम के नियम से ओम के नियम से क्वेश्चन था आप लोग कितने बजे आप लोग से जो लेवल का है बोले चाचा पार से ले भाई चाचा कौन सा लगा सारी हां कौन सा लगा आपको उम्मीद है मेरा साइंस और मैथ से रिलेटेड जहाँ जा रही थी चलो लिखो पहला लिखो काइनेमेटिक्स हां सर जी आगे इसका हो जाएगा एक और हां पहला लिखो ना काइनेमेटिक्स देखो काइनेमेटिक्स किसको कहें शुद्ध गति की किसको कहेंगे नाम से ही पता चल रहा है इसमें सिर्फ गति का अध्ययन किया जाता है इसका गति का और सिर्फ इसमें गति का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं और गति का अध्ययन के साथ साथ हमारा इससे उत्पन्न होने वाले कारक का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया जा सकता है इसीलिए उसको क्या जानते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स ठीक है काइनेमेटिक्स किसको बोलेंगे इसमें सिर्फ हम किसका किसका पढ़ाई करने वाले किसका अध्ययन करने वाले सिर्फ गति का और गति द्वारा जो उत्पन्न कारक है उससे हम लोग नहीं पढ़ेंगे ठीक है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे काइनेमेटिक्स यांत्रिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत गति का अध्ययन किया जाता है गति का अध्ययन किया जाता है लेकिन गति को उत्पन्न करने वाले कारकों का लिखता है चुपचाप करो लेकिन गप मत करे लेकिन गति को उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन लेकिन गति को उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन नहीं किया जाता है काइनेमेटिक्स कहलाता है जल्दी लिख द स्टडी ऑफ मोशन इन मैकेनिक्स बट डज नॉट स्टडी प्रोड्यूस द मोशन ड्यू टू बट डज नॉट स्टडी द प्रोड्यूस ऑफ मोशन ड्यू टू रीजन It's called kinematics. अब लिखिए kinematics हो गया आप दूसरा लिखिए kinematics. बोलिए सर हिंदी में लिखिए. अब दूसरा लिखिए dynamics.
देखिए यांत्रिकी की वैसी शाखा यांत्रिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत गति के साथ साथ उसे उत्पन्न करने वाले कारकों को भी उसको उत्पन्न करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। डायनामेटिक्स का लाभ चलो लिखो रे इंग्लिश वाला कारकों का भी अध्ययन किया जाता है डायनामेटिक्स द ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स इन द स्टडी ऑफ मोशन एंड हिज रीजन इज कॉल्ड डायनामेटिक्स। अब देखिए अच्छा अभी हम जिसको पूछेंगे वही जवाब दोगे। अब सबसे पहले आप बताइए कि मोशन क्या है। कौन बता दीजिएगा मोशन के बारे में। मोशन के बारे में कौन कौन बता दीजिएगा। कौन बताइएगा मोशन के बारे में। बोलो कुंदन। जैसे कमर होता है ना उसी को गति कहते हैं। कमर में क्या हुआ। बोलिए मोशन किसको कहेंगे गति किसको कहेंगे। चलना की क्रिया गति बोलो बम बोलो पंडा कहाँ का क्या यो तो गति है रे हंसना यो गति है। मोशन गति क्या है। रोना भी गति है। When object changes their position with respect to time and its frame of reference also. अब हिंदी में बता दो। अरे हमें समझ गए देखो सिंपल सा बात है मोशन क्या चीज। देखिए सिंपल सा बात है मोशन क्या है कि आपको बस ये समझना है कि मेरे साथ टाइम के रिस्पेक्ट मतलब टाइम के साथ कोई वस्तु अपना गति अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है मतलब समय के साथ। अभी देखिए बिहारीगंज वाली बस यहाँ लगी हुई हाँ समय के साथ क्या हुआ बिहारीगंज वाली बस कहाँ चली गई पहुँच गया होगा मान लीजिए बिहारीगंज तो वो क्या है वो मोशन में था वो समय के साथ क्या हुआ अपना पोजीशन को चेंज किया। लेकिन वही अगर यदि घर के बारे में पूछा जाए तो वो समय के सापेक्ष हाँ उसी जगह पर जहाँ है वहीं रुका रहेगा तो मतलब वो मोशन में नहीं है लेकिन है मोशन में तो है। अच्छा पृथ्वी घूम रहा है हम अर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे तब वो मोशन है ठीक है। लेकिन अर्थ को हमेशा रेश में मान के चला गया ठीक है। अगर अर्थ को अगर पृथ्वी घूमती है कि पृथ्वी रुकी हुई है पृथ्वी घूमती है हम लोग कहाँ घूमती है हम लोग नहीं घूमते हैं सर सुलभ चलता है भाई 29 किलोमीटर प्रति मिनट से घूमता है। तुम कहाँ घूम सर सवाल क्या किया समझा।
पृथ्वी घूमती है या नहीं घूमती है? घूमती है। कहाँ कहाँ घूमती है? अपना ऑर्बिट करते हैं हमारे तरफ में तो घुमा कहाँ था तुम कहाँ घूमा किधर घूमती है सर? पृथ्वी तो घूम रही है सर, हम लोगों ने तो घुमाई है साथ में, अब भी तो घूम रहे हैं जैसे हम लोग अब घूम रहे हैं तो अभी मतलब घूम ही रहे हैं सर। सर पोजीशन थोड़ी ना चेंज करता है, कैसे हम जाने के बाद पोजीशन थोड़ी ना चेंज करता है, आपका वो घूम रहा है वो देखो तो हम लोग कितने स्पीड से घूम रहे हैं हम लोगों को पता, जैसे एक चुट्टा देख लिया जी, एगो फुटबॉल ले लेना, फुटबॉल को चुट्टा को रख देना और उसको घुमा देना, पता चलेगा चुट्टा हम किधर घूम रहे हैं। ठीक है तो हम लोग का जो बॉडी है हम लोग जो है वो हमारी पृथ्वी पर कितने परसेंट का नगण्य, मतलब मेरा वैल्यू इस पृथ्वी पर कितना है? जीरो 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 माइनस वन में छो समझ ले छबे में कर लीजिए यहाँ सस्ता है की यहाँ क्या सस्ता है? जय हिंद जय भारत, हम उपराब कर दे लेकिन जब पूरी पृथ्वी की चर्चा होगी तो क्या होगा मेरा अस्तित्व रहेगा? यही अगर जी आप 10 किलोमीटर ऊपर टावर पे रहती 100 मीटर टावर पे ऊपर चल जाइए ना आप दिखिएगा इतना है, यहाँ से नीचे ऊपर से नीचे देखिएगा ना आप दिखिएगा इतना है नीचे वाला तो समझो तेरा क्या अस्तित्व है इस दुनिया में, तब न कहता है तू तुच्छ है प्राणी, अपने जीवन में मत घमंड कर, अपने जीवन पर मत घमंड करना, कुछ करके ऐसा कर जाना कि जीवन सफल बना दे। इसीलिए ना जीवन में कभी झगड़ा करना है किसी से, प्रेम भी स्वार्थ के लिए होता है, तुमसे स्वार्थ है तो हम तुमसे प्रेम करेंगे, नहीं स्वार्थ है तो नहीं करेंगे। हाँ प्रेम वैसी होनी चाहिए, ठीक है, प्रेम आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको ये पता चाहिए कि हम कौन है, अपने आइडेंटिटी को भूल जाइए, आधार देखते हो अपना आधार कार्ड को भूल जाओ, हम कौन है तब उसको करते हैं प्रेम, निस्वार्थ भाव से मतलब अपना सब कुछ भूल जाओ, अगर यदि वो कोई कष्ट में तो उसके लिए तुम उसका हाथ कटा है तो अपनो हाथ काट ले, अगर टांग कटा है तो अपनो टांग काट ले, बात क्या करते हैं हम तीनों अपना बात करते हैं बीच में बैठा हुआ इसीलिए बोलते हैं कि जीवन में जो भी काम करो निस्वार्थ भाव से करो, प्रेम से मत करो, प्रेम से करेगा तो कप्तान काटना पड़ जाएगा, प्रेम से बोलो, प्रेम शब्द है, ठीक है, प्रेम शब्द एक ऐसा शब्द है जो आपको अंधा कर दे, चाहे भाई बहन का प्रेम हो, बहन बेटे का प्रेम हो या फिर प्रेमिका प्रेमिका मतलब तो दादी पिता का रिलेशन हो, उस समय में क्या होता है कि आप अंधे हो जाते हैं, अगर यदि आप मान लीजिए कि आपके मम्मी है और अगर यदि उसको कोई कुछ बोल देता है तो आप क्या समझते हैं उस समय? अपना करियर तभी दिखता है नहीं दिखता है, जब उसको मार देंगे जेल चल जाएंगे कल हमको नौकरी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, ये तभी दिखता है आप अंधे हो जाते हैं ना उस समय, मारना है तो मारना है तो जो चलिए, लेकिन मौसम के बारे में हम लोग जानते हैं, मौसम पढ़ रहे थे, मौसम को पढ़िए अच्छे से, मोशन देखिए मोशन ऐसा चैप्टर है जो कि आपको दिला भी सकता है और ले भी सकता है, क्या सर? ठीक है, मार्क्स दिला भी सकता है और ले भी सकता है,
थोड़ा सा मिस कीजिएगा तो माइनस मार्किंग में गया, थोड़ा सा मिस किए, अगर यदि थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लिए तो देख के चल गया, प्लस चार हो जाएगा, समझ लीजिए। इसीलिए आप लोग को माइनस तीन में जाना है, प्लस चार में जाना है, ले लिया ऐसे पढ़ा है, ललवाई तो पढ़ के पढ़ा था देखिए सबसे अधिक क्वेश्चन अगर यदि 11 से बनता है कंपटीशन के एग्जाम में तो वो मोशन से ही बनता है, ठीक है। सबसे अधिक क्वेश्चन अगर यदि बनता है तो वह किससे बनता है, मोशन से, ठीक है। तो मोशन में ही आ जाता है आपका, एक्सलरेशन आ जाता है, त्वरण जिसको बोलते हैं, बहुत सारा चीज है, मंदन है, कमीय वेग है, जिसको डी एक्सलरेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सलरेशन। देखो मोशन, अच्छा एक बात बताइए, आप भी लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक कार है, कार है, इतना जमाना कार है, बहुत पुराना जमाना, बंगाल में चलने वाला टैक्सी है, अंबेसडर अंबेसडर गाड़ी भी बनाना सीख, यहाँ पर एक ड्राइवर बैठा हुआ है ना, टकला ड्राइवर है। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, और यहाँ पर बगल में एक क्या है, पोल नहीं, ट्रैफिक का जो वो सिग्नल होता है, वो है पोल, है ट्रैफिक लाइट है। अब एक चीज बताइए आप लोग, अगर यदि आपको पूछेगा कि कार तो चल रही है, कार के रिस्पेक्ट में खंभे की स्थिति क्या होगी, जीरो है, जीरो मोशन में होगा, कार के रिस्पेक्ट में खंभे की स्थिति मोशन में रेस्ट, कार की स्थिति में, अगर यदि कार रुका रहेगा तो ये भी क्या रहेगा, घुमा रहेगा, दौड़ेगा सर, लेकिन कार चल रहा है, क्या बोले, कार चल रहा है, हम कार के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, अभी हम खंभे के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहे हैं, खंभे के रिस्पेक्ट में कार तो मोशन में, अगर यदि आपको पूछ दिया कि खंभे के रिस्पेक्ट में कार क्या चीज में है, मोशन में, वो समय के साथ क्या बन रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, वही अगर आपको पूछ देगा कि कार के रिस्पेक्ट में ड्राइवर का पोजीशन क्या है, रेस्ट में है, वो कार के रिस्पेक्ट में ड्राइवर का पोजीशन क्या है, रेस्ट में, क्योंकि कार के रिस्पेक्ट में तो जगह परिवर्तन कर रहा है, जगह परिवर्तन कौन कर रहा है, स्थिति परिवर्तन कौन कर रहा है, कार कर रहा है, इसका मतलब सीधा समझ जाइए कि जो समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तन करे तो वह किसमें कहलाता है, मोशन में, जो नहीं करे वह रेस्ट में कहलाएगा, विराम में, सीधा सिंपल सा बात है। सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ड्राइवर तो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कभी पूछेगा नहीं, नॉलेज के लिए, देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ग्राउंड पे है कहाँ, गाड़ी तो ग्राउंड पे है ना, गाड़ी के रिस्पेक्ट, गाड़ी में ड्राइवर थोड़े है, ग्राउंड पे गाड़ी में है ड्राइवर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ड्राइवर चेंज कर रहा है ना, सर गाड़ी में है तो गाड़ी। अच्छा एक बात बताइए, आपको अगर दी पूछेगा कि कोई बोझा उठा लिया कपार से और यहाँ से बनमनखी से पूर्णिया लेके चले गया, तो बताइए उसका क्या होगा, उसका किया गया कार्य का, हाँ मतलब वो कितना कार्य किया, वो काम कितना किया, बोझा उठा के पूर्णिया ले गया, वही काम हो गया, नहीं बोझा अर्थ से उठा करके कपार पे ले गया तो वो वर्क हो गया, अब कपार पे रखा वो रेस्ट में, वो अपना गति कहाँ कर रहा, वो विस्थापन कहाँ कर रहा, सीधा सा बात है, वो विस्थापन कर ही नहीं रहा, जब विस्थापन नहीं करेगा तो वह वर्क क्यों होगा, वर्क बस उतने दूर होगा जहाँ उठा करके कहाँ किए, कपार के लिए उतने तो वर्क करेगा, इससे ज्यादा वर्क नहीं करेगा। तो मतलब कहने का अर्थ है मोशन हम लोग उसको बोलेंगे जब कोई कण या जब कोई पदार्थ, जब कोई वस्तु, ठीक है, क्या करता है किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी के सापेक्ष अपने स्थान को बदल लेता है तब वह क्या कहलाता है, नहीं अपनी स्थिति को बदल लेता है तब उस कंडीशन में क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है ना, एक बार वीडियो बंद कीजिए तो।